Assalamualaikum, welcome back to my channel Food Kitchen 92. मैं हूँ मेरे खोया और आज बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी. ये है गुलाब जामुन. बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है. और ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. यहाँ पर मैंने लिया है ढाब का खोया लिया है यहाँ पर मैंने, और ये आधा किलो है. तो यहाँ पर मैंने खोया ले लिया है, ये ढाब का खोया है. उसके बाद मैंने इसमें 100 ग्राम लिया है छेना. तो आप लोगों को छेना ज़रूर लेना है. अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसा बनाना चाहते हैं गुलाब जामुन, तो आप इसके अंदर छेना ज़रूर डालिए. और यहाँ पर सिर्फ हमें 50 ग्राम लेना है मैदा. ज़्यादा मैदा नहीं डालना, सिर्फ 50 ग्राम मैदा डालना है, 100 ग्राम छेना डालना है, आधा किलो खोआ डालना है. उसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स. ये जो तीनों चीज़ें मैंने डाली है मिक्स कर लेनी है बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में. मैं बता रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और बिल्कुल फटेगा नहीं गुलाब जामुन. अगर आप बिल्कुल इसी मेथड के साथ अगर आप बनाएंगे, और दिवाली आ रही है तो दिवाली पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. किसी भी ओकेशन पर आप बना सकते हैं, ईद, दिवाली, होली, किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं. यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें एक परात लेनी है. प्लेट आप सीधी से कुछ भी ले सकते हैं. उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से, अपने पाम से जो है वो खोए को घिस लेंगे. इससे ये होगा जो उसके अंदर लम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे. बिल्कुल हमें सॉफ्ट सा कर देना है जो इसका खोआ जो है, खोए के अंदर जो हमने मैदा और छेना जो मिक्स करा है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा. जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बिल्कुल इसी तरीके से करना है. इसको घिस लेना है पाम से, अपने हथेली से देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से. और इतनी बार घिसना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल स्मूथ, इसके अंदर बिल्कुल दाने ना रहें. ये देखिए इसी तरीके से. यहाँ पर मैंने लिया है 700 ग्राम चीनी ली है, 750 ग्राम. तो आपको चीनी ले लेनी है. उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देना है. ये देखिए पानी ऐड कर दूँगी. ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उतना पानी ऐड करना है जितने में आपकी चीनी भीग जाए. ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से. और हमने इसको पका लिया चीनी को, और एक तार का हमने शीरा बना लिया है इसके अंदर. और हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे. 4-5 हम इलायची डाल देंगे. ये देखिए. और यहाँ पर हम 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे. इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी आपके शीरे में. तो बस इसी तरीके से बना लेना है शीरे को. ये हमने जो खोए को अच्छी तरीके से घिस लिया. अगर आपने पीछे देखा होगा कि किस तरीके का था खोआ, और इसको हमने अच्छी तरीके घिसने के बाद कितना सॉफ्ट कर लिया विदाउट एनी लम्स. तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोआ निकाल लिया है, ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा सा निकाल लेना है. उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कुटा हुआ पिस्ता. आप चाहें तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हो वो आप इसके अंदर डाल दीजिए. मैंने यहाँ इसमें 2 टेबल स्पून जितना डाल दिया था. और ग्रीन फूड कलर लिया है यहाँ पर मैंने. ये देखिए ग्रीन फूड कलर इसलिए लिया है कि जब हम गुलाब जामुन को तोड़ेंगे तो अंदर से ग्रीन सा दिखना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा सा दिखता है, बिल्कुल बाहर जैसा, बावर्ची जैसा दिखता है, हलवाई जैसा. तो अब उसी तरीके से मैंने 1 पिंच जितना ग्रीन कलर लिया है. देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है. अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा लेके पार्ट लेके हम उसको छोटा सा ये बना देंगे इसी तरीके से. छोटा सा गुलाब जामुन एक तरीके से वैसे बना लेंगे, क्योंकि हमें इसे गुलाब जामुन के अंदर रखना है. तो छोटा छोटा सा हम बना लेंगे उतने से मटेरियल का. उसके बाद अब हम ये खोआ लेंगे, उसको इस तरीके से देखिए हाथों पे फैला लेंगे. और जो हमने छोटा सा अंदर फिलिंग के लिए बनाया था वो हम इसके अंदर रख के इसको अच्छी तरीके से शेप दे देंगे बिल्कुल गुलाब जामुन का. ये देखिए बहुत आराम से बन जाएगा, हाथों में चिपकेगा नहीं. फर्स्ट जब आप खोए को घिसते नहीं हैं तो वो हाथों में बहुत चिपकता है, बहुत लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उसका मिला नहीं होता, उसका तीनों जो चीज़ होती है मैदा और छेना. जब आप इसको घिस देते हैं तो बिल्कुल आपके हाथों में नहीं चिपकता ये. देखिए इसी तरीके से हमने सारे गुलाब जामुन बना दिए, अंदर ग्रीन वाला जो होता है वो रख दिया जो हमने फिलिंग रेडी की थी. और अब हम इसको धीमी आंच पे जो है
पका लेंगे। अगर हम तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे, फुल फ्लेम पे पकाएंगे, तो ऊपर से तो वो बिल्कुल पक जाएगा, जल जाएगा बिल्कुल, अंदर से नहीं पकेगा। तो हम धीमी आंच पे इसे पका रहे हैं और एक एक करके जब हम पूरा बना के रख देते हैं गुलाब जामुन, उसके बाद जब हम तेल में डाल रहे होते हैं ना, तो उसे एक बार हाथ से अच्छे से बना के फिर इसके अंदर डालते हैं। इससे इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये देखिए, ओवर क्राउड नहीं करना, हमें थोड़ा सा डालना है, 5-6 जितनी आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई है उसी हिसाब से डालिए। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे से हम इसको बस सारी तरफ से पका लेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर मेरे कहने से आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और बहुत ही यम बनती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी नारियल के हलवे की रेसिपी, तो अगर आप दिवाली में वो भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेशन में आप बना सकते हैं। जब आपको दिल चाहे कुछ मीठा खाने का तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, हल्का हल्का से हमें चलाते रहना है। अगर हम एक जगह ही छोड़ देंगे उसे, तो वो एक तरफ से पक जाएगा, एक तरफ से नहीं पकेगा, एक तरफ से जल जाएगा। तो अब हल्का हल्का से इसे चलाते रहिए। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा सा हमें कलर दे देना है इसको। और मेरी गारंटी, अगर आप बिल्कुल इसी हिसाब से अगर इसमें कुछ सब चीज़ें डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटने वाला बिल्कुल भी। अगर आप फुल फ्लेम पर डालेंगे तो ये पक्का इसका बैंड बज जानी है, तो आपको इसे धीमी आंच पे पकाना है थोड़े सुकून से और अच्छे से। देख कितना अच्छा कलर आने लगा, हल्का हल्का सा मैं चलाती जा रही थी साथ में सारी तरफ से, क्योंकि हमें इसे पका लेना है। और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को ये रेसिपी बिल्कुल भी यूज़फुल होती है, ज़रा भी यूज़फुल होती है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से जब रंग आ जाए गुलाब जामुन का, तो आप डायरेक्ट उसको शीरे में डाल दीजिए। जो शीरा मैंने दिखाया था आपको बना हुआ, वो उसके अंदर आप डाल दीजिए इस गुलाब जामुन को। ये देखिए, अब हम सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है, बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही अच्छा बना है ये। और अब हम बाकी जो बनाया हुआ था वो भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, गुलाब जामुन कितने अच्छे हो गए हैं। शीरा अगर गाढ़ा रहता तो गुलाब जामुन जो है वो सोक ना करता बिल्कुल ही, मतलब वो अच्छे ना होते। तो देखिए कितना बड़ा हो गया है, हमने कितना डाला था, कितने अच्छे से शीरा पी लिया उसने। और देखिए, और जो फ्राई हो रहे हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बहुत ही यम लग रहा है और बहुत ही लोगों को ये पसंद आता है। गुलाब जामुन तो सभी का फेवरेट होता है मोस्टली, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, हमने इसे कर लिया है डिश आउट, बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बनी। और देखिए अंदर से कितना अच्छा ग्रीन कलर का पिस्ता से भरा फिलिंग है इसकी, बहुत ही यम बनती है। ऊपर से मैंने जो पिस्ता है वो स्प्रिंकल कर दिया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए और बाय बाय।